ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगरा दौरा, आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आगरा फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी के समर्थन में सभा। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। भाजपाइयों का लगने लगा है सभा स्थल पर जमावड़ा। आगरा के कोठी मीना बाजार में है पीएम की जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज आगरा दौरा, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आगरा और फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी के समर्थन में सभा। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम। भाजपाइयों का लगने लगा है सभा स्थल पर जमावड़ा। आगरा के कोठी मीना बाजार में है पीएम की जनसभा। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की, जहां उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार कर रही है तैयारी। बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने बताया, पिछले साल की तरह इस बार भी बुकिंग हो रही है। ऑनलाइन पूजा अर्चना के लिए बुकिंग की जा रही है। इस बार एक सप्ताह में 7,000 लोग बुकिंग के लिए किया गया। अभी तक 1,20,00,000 की आय हो चुकी है। साथ ही कहा कि यह आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें उत्तराखंड में 10 मई से शुरू हो रही है चार धाम यात्रा। चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार कर रही है पूरी तरीके से तैयारी। बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने बताया, पिछले साल की तरह इस बार भी बुकिंग हो रही है। ऑनलाइन पूजा अर्चना के लिए बुकिंग की जा रही है। इस बार एक सप्ताह में 7,000 लोग बुकिंग कर चुके हैं। अभी तक 1,20,00,000 की आय हो चुकी है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि ये आंकड़ा अभी और आगे बढ़ेगा। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन करेंगे। आज दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे सुब्रत पाठक। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नामांकन में होंगे शामिल। कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है सुब्रत पाठक। डिप्यूटी सीएम केशव मौर्य कन्नौज में जनसभा भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन 12 बजे करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नामांकन में होंगे शामिल। वही कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है सुब्रत पाठक। डिप्यूटी सीएम केशव मौर्य कन्नौज में जनसभा भी करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से, सरकारी अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से। बता दें, सुप्रीम कोर्ट से सरकारी अधिकारियों के लिए राहत की खबर। सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी। सरकारी अधिकारी के समन व्यक्तिगत पेशी को लेकर निर्देश। समन पेशी से पहले हाईकोर्ट वीसी को प्राथमिकता देंगे सुप्रीम कोर्ट का बयान। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक कोर्ट ना बुलाए। अनावश्यक रूप से अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए। अधिकारी को कोर्ट बुलाने से गरिमा महिमा नहीं बढ़ती। अदालत के प्रति सम्मान की मांग नहीं, आदेश देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। आपको बता दें, सरकारी अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सरकारी अधिकारियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सरकारी अधिकारी के समन व्यक्तिगत पेशी को लेकर निर्देश जारी। समन पेशी से पहले हाईकोर्ट वीसी को प्राथमिकता देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा, सार्वजनिक अधिकारियों को अनावश्यक कोर्ट न बुलाए। अनावश्यक रूप से अदालत में नहीं बुलाना चाहिए। अधिकारी को कोर्ट बुलाने से गरिमा महिमा नहीं बढ़ती। अदालत के प्रति सम्मान की मांग नहीं, आदेश देना चाहिए। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें तीन लोकसभा में पीएम मोदी की जनसभा। आज आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पीएम मोदी आज तीन लोकसभा में जनसभा करेंगे, जिसमें आगरा, बरेली, शाहजहांपुर शामिल है। दोपहर 12:45 पर कोठी मीना बाजार आगरा में जनसभा। वही दोपहर
2:45 पर सैनिक पड़ाव बरेली में होगी जनसभा। शाम 4:30 पर मोदी मैदान शाहजहांपुर में होगी जनसभा। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करेंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में पीएम मोदी का आज जनसभा। 2:45 पर कोठी मीना बाजार आगरा में जनसभा, वहीं 2:45 पर सैनिक पड़ाव बरेली में जनसभा होगी। शाम 4:30 पर मोदी मैदान शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे। वही पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा रहेगी चाक चौबंद। लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में होगी जनसभा, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से बता दें, आज दो जिलों के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कानपुर और लखीमपुर खीरी जाएंगे। 10:45 पर लखीमपुर खीरी पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी की नामांकन सभा में शामिल होंगे अरे कुमार मिश्रा टेनी की नामांकन सभा आज। वहीं 1:00 राजपुर सिकंदरापुर कानपुर जाएंगे, कानपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। कानपुर और लखीमपुर खीरी जाएंगे, जहां 10:45 पर लखीमपुर खीरी वो पहुंच चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी की नामांकन सभा में होंगे शामिल अजय कुमार मिश्रा टेनी की नामांकन सभा आज। 1:00 राजपुर सिकंदरा कानपुर जाएंगे, कानपुर में आयोजित जनसभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आगरा इटावा दौरा आज। आगरा और इटावा में मुख्यमंत्री योगी करेंगे जनसभा। 12:45 पर कोठी मीना बाजार आगरा में जनसभा होगी। वही 2:15 पर जसवंत नगर इटावा में होगी जनसभा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज 3 जिलों का दौरा, जहां आगरा इटावा दौरा आज करेंगे योगी आदित्यनाथ। आगरा और इटावा में मुख्यमंत्री योगी करेंगे जनसभा, दो जिलों का करेंगे जनसभा। जहां 12:45 पर कोठी मीना बाजार आगरा में जनसभा होगी, वहीं 2:15 पर जसवंत नगर इटावा में होगी जनसभा। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कन्नौज जाएंगे। 12:30 पर बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में करेंगे सभा, समर्थन में आयोजित नामांकन सभा संबोधित करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कन्नौज जाएंगे। 12:30 पर बोर्डिंग ग्राउंड कन्नौज पहुंचेंगे। भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में करेंगे सभा, समर्थन में आयोजित नामांकन सभा संबोधित करेंगे। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं इस वक्त की लखनऊ से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज प्रेस वार्ता करेंगे। 26 अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण। 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। चुनाव तैयारियों को लेकर हजरतगंज लखनऊ में प्रेस वार्ता की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 26 अप्रैल को होगा लोकसभा चुनाव का द्वितीय चरण। 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में होगा मतदान। चुनाव तैयारियों को लेकर हजरतगंज लखनऊ में प्रेस वार्ता। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज उन्नाव प्रवास पर रहेंगे। 11:00 रामलीला ग्राउंड उन्नाव पहुंचे। प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में किया सभा, आयोजित नामांकन सभा को संबोधित किया पाठक जी ने। जी आज वक्त की बड़ी खबर, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज उन्नाव प्रवास पर रहेंगे। 11:00 रामलीला ग्राउंड उन्नाव पहुंचे, जहां प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में जनसभा किया गया, आयोजित नामांकन सभा को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर इस वक्त की अमेठी से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में कल से शुरू होगा नामांकन। 26 अप्रैल से 3 मई तक चलेगी नामांकन पत्र की प्रक्रिया। 4 मई को होगा नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया। 6 मई को नाम वापसी की प्रक्रिया रहेगी। वही 19 मई को पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल की जाएंगी। 20 मई को अमेठी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में मतदान। इस बार अमेठी संसदीय क्षेत्र में 17,50,000 है मतदाता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में कल से शुरू होगा नामांकन। अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर,
26 अप्रैल से 3 मई तक चलेगी नामांकन पत्र की प्रक्रिया, जहां 4 मई को होगा नामांकन पत्र की जांच की प्रक्रिया, वहीं 6 मई को नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। 19 मई को पोलिंग पार्टियों को मतदान स्थल को जाएंगी। 20 मई को अमेठी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा में मतदान। इस बार अमेठी संसदीय क्षेत्र में 17,50,000 मतदाता है। बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें अमेठी जिसमें की बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र के 10वें दिन के दौरे पर है स्मृति ईरानी। गौरा बाजार और जगदीशपुर विधानसभा के रानीगंज जाएंगी, महिलाओं के बीच शामिल होकर पूजा पाठ करेंगी, बीजेपी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी स्मृति ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से, स्मृति ईरानी का आज अमेठी दौरा, अपने संसदीय क्षेत्र के 10वें दिन के दौरे पर है स्मृति ईरानी। गौरा बाजार और जगदीशपुर विधानसभा के रानीगंज जाएंगी, महिलाओं के बीच शामिल होकर पूजा पाठ करेंगी, बीजेपी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगी स्मृति ईरानी। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली नगर निगम के चुनाव को मिली अनुमति, निर्धारित 26 अप्रैल को ही होगा चुनाव, मेयर और उप मेयर का होना है चुनाव, चुनाव आयोग ने दी अनुमति, अब होगा चुनाव। आचार संहिता के चलते आयोग की चाहिए थी अनुमति। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की, जहां अनुमति मिली दिल्ली नगर निगम के चुनाव को, अनुमति मिली, निर्धारित 26 अप्रैल को ही होगा चुनाव, मेयर और उप मेयर का होना है चुनाव, चुनाव आयोग ने दी अनुमति, अब होगा चुनाव। आचार संहिता के चलते आयोग को चाहिए थी अनुमति।